अस्सलाम वालेकुम, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लार्ज इंटेस्टाइन। सो एज वी यू नो वी आर सीइंग द लेक्चर्स ऑफ द एब्डोमिनल विज़रा। सो लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ अ वेरी लार्ज विज़रा विच सराउंड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज़ लार्जर इन डायमीटर बट इट इज़ शॉर्टर इन लेंथ। मतलब डायमीटर इसका ज़्यादा होता है और लेंथ छोटी होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन रिलेशन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के रिलेशन से उसका बताया हुआ है। फिर वो कह रहे हैं जी इसकी लेंथ, तो इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ और डायमीटर इज 6.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा है और जो इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की कम है। लोकेशन है जी, इट बिगेंस एट द सीकम इन द राइट इलिक फोसा एंड टर्मिनेट एट द रेक्टम एंड एनल कैनाल डीप टू द पेल्विस। तो ये देखिए, जहाँ पे हमारे पास जो थी ना, हमारे पास ये जो आ रही होती है सीकम स्टार्ट हो रही है जिस पॉइंट के भाई, ये सीकम से शुरू होगा असेंडिंग कोलोन, उसमें आएगी ट्रांसवर्स कोलोन, फिर हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मोइड कोलोन, फिर रेक्टम और फिर एनस। तो ये सारे पार्ट्स, ये जो सारा बना हुआ है, दिस इज ऑल दी लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब इसके अगर पार्ट्स पे आए तो मैं अभी बस आपको बता भी दिए। सीकम है, अपेंडिक्स सीकम, ये देखिए ये रहा सीकम है, उसके बाद ये देखिए ये वाला पार्ट जो है, फिर हमारे पास आता है जी, सॉरी मैंने यहाँ पे रेक्टम लिख दिया, दिस इज सीकम, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, ये सीकम है, फिर अपेंडिक्स है, फिर हमारे पास आता है ये असेंडिंग कोलोन, फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये देखिए ये जो ऑरेंज में है डिसेंडिंग कोलोन, फिर ये जो ब्लू में कलर में है सिग्मोइड कोलोन, और फिर ये जो व्हाइट में है दिस इज रेक्टम एंड दिस ब्लैक वन इट इज़ द एनल कैनाल। ये सारे इसके पार्ट्स हैं हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन डिफर्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन वाई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको ज़रूर याद रखना है। पहला है जी ओमेंटल या एपिप्लॉइक अपेंडिसेस। तो सर डायग्राम पर ये जो है, ये जो सैक्स निकले हैं, आप ये देखिए ये छोटे छोटे ये जो फैट के सैक्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ओमेंटल अपेंडिसेस या फिर एपिप्लॉइक अपेंडिसेस। ये देखिए दिस इज स्मॉल फैटी ओमेंटम लाइक दी प्रोजेक्शंस। और ये देखिए ये जो सेंटर में लाइन है, दिस इज द टीनिया कोलाइड। ये टीनिया कोलाइड से ये सैक्स निकल रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं जो ओमेंटल अपेंडिसेस। ये सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में होंगे, स्मॉल में नहीं होंगे। फिर है टीनिया कोलाइड, दे आर थ्री थिकेंड बैंड ऑफ द लॉन्गिट्यूजनल मसल्स। ये ना लॉन्गिट्यूजनल मसल के तीन बैंड्स हैं जो कि पूरी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चल रहे होंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं पूरी इसके अंदर स्टिल सिग्मोइड कोलन तक जा रहे होते हैं, ठीक है। ये अभी तीन कौन कौन से होते हैं, एक होता है जी मीसोकॉलिक टीनिया। मीसोकॉलिक टीनिया का क्या काम किया है कि ट्रांसफर्स और सिग्मोइड मीसोकॉलन अटैच। मीसोकॉलन क्या थी, मतलब उसकी इनकी जो है वो मेजेंट्री। तो ट्रांसफर्स कोलोन और सिग्मोइड कोलोन की मेजेंट्री जो है जिसके साथ अटैच होगी टीनिया कोलाई, वो होगा मीसोकॉलिक टीनिया। सेकेंड इज ओमेंटल टीनिया, ओमेंटल अपेंडिसेस अटैच, जिसके ऊपर ये ओमेंटल अपेंडिसेस ये वाली जो थी ना, ये यहाँ जो है एपिप्लॉइक अपेंडिसेस अटैच होंगी, वो होगा ओमेंटल टीनिया। थर्ड इज द फ्री टीनिया, मतलब नथिंग इज अटैच, जिसके ऊपर ये दोनों चीज़ अटैच ना हो, खाली पड़ा हो, वैसे एक मसल का बैंड चल रहा है बस, तो वो होगा हमारे पास फ्री टीनिया। ये हम सिर्फ इतना याद रखें, इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा टीनिया कोलाई। फिर है जी हॉस्ट्रा, इट इज़ द सेक्यूलेशन ऑफ द वॉल ऑफ द कोलोन बिटवीन द टीनिया कोलाई। सेक्यूलेशन क्या मतलब कि उसके जो है ना, आप समझ रहे कि छोटे छोटे सैक्स की फॉर्म है। तो ये देखिए मैं जरा ये मैग्नीफाइड सेगमेंट देखिए, छोटे छोटे सैक बन गए, तो ये एक सैक बना हुआ है, ये है हॉस्ट्रा। ये देखें दिस इज हो, ये इसको हम कहेंगे हॉस्ट्रम, एक को हॉस्ट्रम कहेंगे। फिर है जी मच ग्रेटर कैलिपर, मतलब कि मैं आपको ऊपर स्टार्ट में बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैलिपर या डायमीटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा, तो ये डिफरेंसेस है। अब हम स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको क्या बताया, ये जो येलो पर में था, दिस इज अ सीकम, इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और 7.5 सेंटीमीटर इन द लेंथ एज वेल। मतलब कि लेंथ भी 7.5 है और जो ब्रेथ है वो भी 7.5 ही है। इसकी लोकेशन देखें तो इट लाइज इन्फीरियर टू द इलियोसीकल जंक्शन इन द राइट इलिक फोसा। राइट इलिक फोसा में इलियोसीकल जंक्शन से वो कह रहे हैं नीचे होगा। ये देखें, ये आ रही थी इलियम और ये आगे सीकम। तो इलियम और सीकम में देखिए नीचे जो येलो कलर में पार्ट है, दिस इज द सीकम जी। इट ब्लाइंड एंड इन्फीरियरली एंड कंटिन्यू स्पीडली विद असेंडिंग कोलोन। मतलब कि नीचे से देखिए क्लोज, मतलब कि नीचे से ब्लाइंड है और सुपीरियरली किसी कंटिन्यू विद दिस ग्रीन वन। ये ग्रीन क्या है, असेंडिंग कोलोन। तो ये सुपीरियरली जो है असेंडिंग कोलोन के साथ कंटिन्यू है। नेक्स्ट इज कि इसकी मेजेंट्री कैसी है, तो इट इज नो मेजेंट्री, मतलब मेजेंट्री नहीं है। मेजेंट्री नहीं तो ये जो है ये क्या हुआ, रेट्रो पेरिटोनियल होगा स्ट्रक्चर, बट बाउंड विद द लेटरल एब्डोमिन बाय द सीकल फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियल। लेकिन अब इसको पकड़ के तो किसी को रखना, वो क्या होती है फिर, ये देखिए ये मैग्नीफाइड चेक ये मैंने ड्रॉ की हुई है हमारी सीकम। तो ये देखिए जो लेटरल इसकी वॉल है ना, उसके साथ ये लेटरल एब्डोमिनल वॉल सारा अटैच होती है बाय द सीकल फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियल। ये पेरिटोनियल के फोल्ड होते हैं जो मैंने येलो में दिखाया है, तो ये इसको जो है वो एब्डोमिनल वॉल से अटैच करके रखते हैं सीकम को, दिस येलो वन पार्ट। मैंने ये इसके मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। फिर वो कह रहा है जी इलियल ऑरिफिस एंटर द सीकम बिटवीन द इलियोसीकल लिप्स।
अच्छा इलियल ऑरिफिस क्या है, जहाँ पे ये इलियम है ये सीकम में ओपन अप हो रही होगी। तो ये देखिए ये मैग्नीफाइड डायग्राम है, ये इलियम थी वो वाली, ये देखिए ये आके इस पॉइंट पे जो अंदर हाइलाइटेड पॉइंट है दिस इज, तो ये है इलियल ऑरिफिस। वो कह रहे हैं कि ये ओपन अप हो रही है बिटवीन इलियोकोलिक लिप्स। तो ये देखिए एक सुपीरियरली ये जो रेड कलर का और एक इन्फीरियरली, दीज आर दी इलियोकोलिक लिप्स और लिप्स ऑफ द इलियोसिकल वॉल। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है दैट मीट्स टू फॉर्म द फर्नेला ऑफ द इलियल ऑरिफिस और ओरिफिस, और ये दोनों लिप्स मिलकर बना देते हैं जी फर्नेलम ऑफ द इलियोसिकल वाल। ये देखिए फर्नेलम ऑफ द इलियोसिकल वाल। तो पहले जो था ना ट्रेडिशनल वो ये सोचा जाता था कि ये जो है ना इस ओपनिंग को कंट्रोल करने वाले ये जो लिप्स हैं और ये फर्नेलम यही इसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर जब वो रिसर्च की गई एंडोस्कोपी से देखा गया तो वो ये चीज़ें इसको कंट्रोल नहीं थी करी इस ओपनिंग को। इस ओपनिंग को कौन कंट्रोल करता, वो भी ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ एंड पे कि द ऑरिफिस इज यूजली क्लोज बाय द टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन, या तो एक कॉन्ट्रैक्शन मतलब फूड आ रही है जा रही उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्स हो रहा था। सेकेंड पॉइंट था कि हाउ एवर अपीयर एज इलियल पैपिला ऑन सीकल साइड, सीकल साइड मतलब जो सीकल साइड थी इन साइड ये वाली साइकिल जो जिस हिसाब से सीकम है वहाँ पर ना इलियल पैपिला मतलब कि एक मसल का बैंड है, देखिए मैंने सर्कल में दिखाया, तो वो इसको ना कंट्रोल कर रहा है इन साइड से, इसको ओपन या क्लोज कर रहा होता है। ये थी हमारे पास सीकम का वो मैग्नीफाइड साइकिल। अब ये देखें जरा ये सीकम के नीचे भी ना एंड पे आके ये अपेंडिक्स निकली ना, तो ये अपेंडिक्स की ओपनिंग होगी और इफिस ओपन उससे अपेंडिक्स निकली होगी। अब हम इसी अपेंडिक्स को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पे। तो ये जो अपेंडिक्स है दिस इज 6 to 10 centimeter इन द लेंथ, उसको हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्यों? क्योंकि लैटिन वर्ड है वर्मी फॉर्म, इसका मतलब वर्म लाइक, तो ये वर्म लाइक होती है। आपने देखा भी तो ये देखें इसमें किसी भी एक को ले, ये ऑरेंज को ले लें, मैंने इसकी डिफरेंट पोजीशन दिखाई है, तो ये ऑरेंज वाली देखें ये एक वर्म लाइक अपेंडिक्स है। ठीक है ये होती है कि इट इज़ अ ब्लाइंड इंटेस्टिनल डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम क्या था, मैंने आपको मैकल्स डाइवर्टिकुलम समझा किया था कि ये जो है एक आप समझे कि एक एक्सटेंशन है, एक पाउच निकला हुआ था, तो ये देखिए इसमें से एक पाउच टाइप निकली हुई चीज़। ठीक है कंटेनिंग लिम्फॉइड टिश्यूज, तो ये जो ब्लाइंड एक्सटेंशन है सीकम से जिसके अंदर लिम्फॉइड टिश्यूज होंगे, एंड इट्स सस्पेंड फ्रॉम द टर्मिनल इलियम बाय द मीजो अपेंडिक्स। और ये यहाँ से पता है इधर आके क्या अटैच हो रही है, इलियम हो रही है अंदर, तो ये इलियम के साथ अपेंडिक्स अटैच होती है किसके जरिए, बाय द मीजो अपेंडिक्स, मतलब इसकी मेजेंट्री होती है। इसकी पोजीशन वेरिएबल है लेकिन मोस्ट 64% केसेस में होती है रेट्रोसिकल। तो ये रेड वाली आप देखें ये जब ये पड़ी हुई जो पोस्टीरियर रेट्रोसिकल मतलब कि पोस्टीरियर टू सीकम 64% केसेस में ये अपने ओरिजिन जहाँ से निकलेगी ना। अच्छा इसका ओरिजिन मैंने आपको नहीं बताया सॉरी, वो ये पॉइंट था कि इट अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सीकम इन्फीरियर टू द इलियोसिकल जंक्शन। ये था इलियोसिकल जंक्शन इसके नीचे और इस सीकम के पोस्टीरियर मीडियल मतलब ये मीडियली और इसके पोस्टीरियरली जो है ना एस्पेक्ट वहाँ से ही निकलती है। ठीक है अब पहले थे रेट्रोसिकल, तो ये कि जहाँ से ओरिजिनेट पॉइंट से वहाँ से रेट्रोसिकल मतलब पोस्टीरियर टू सीकम होगी 64% के सिर में, ये है 11 o'clock पोजीशन पे बैठी हुई है। फिर है पैल्विक मतलब कि ये पीछे ना जाए लेकिन नीचे को डिसेंड करें पैल्विस रीजन में, तो ये पैल्विक ये है हमारे पास 5 o'clock पोजीशन के ऊपर, ये 32% के सिर में होती है। फिर है जी सब सीकल थर्ड वाली, सब सीकल मतलब कि सीकम के नीचे आ जाए, तो ये देखिए ये हमारे पास आज अप्रॉक्सीमेट 6 o'clock पोजीशन बनती है। ठीक है तो ये 2% के सिर में होती है। देन इज अ प्री ईल, प्री मतलब कि उससे पहले आ जाए मतलब कि ईलियम के आगे, तो ये देखिए ये इलियम थी ये इससे आगे पड़ी हुई है ये येलो वाली, दिस इज अ प्री इलियल, ये 2-1% किसी में होती है। फिर है जी पोस्ट इलियल मतलब कि इलियल से पोस्टीरियरली, तो ये देखें ये ब्लू वाली जा रही है, तो ये 0.5% किसी में होती है। तो ये इसकी डिफरेंट पोजीशन थी, ये देखें ये 2 o'clock पोजीशन है, ये 3 o'clock पोजीशन है, ये 5 o'clock पोजीशन है, ये 6 o'clock पोजीशन है, और ये 11 o'clock पोजीशन है। डिफरेंट बुक्स में इसको क्लॉक के साथ दिखा गया, कुछ में इसकी जो है वो डायग्राम से, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब हम आए सीकम और अपेंडिक्स ब्लड सप्लाई के ऊपर, तो अब हमें पता कि सीकम और अपेंडिक्स दोनों किसके पार्ट है, मिडगट के पार्ट है। मिडगट की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, इन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से, बस। अब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ही ब्रांचेस इसको सप्लाई करना, ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रहा है, वो कह रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी देती है ब्रांच इलियोकोलिक ब्रांच जो कि सप्लाई करेगी सीकम को। फिर ये इलियोकोलिक ब्रांच ही एक फर्दर ब्रांच है वो क्या होगी अपेंडिकुलर ब्रांच जो कि सप्लाई करेगी अपेंडिक्स, ये इसकी ब्लड सप्लाई। बाकी जो ब्लड सप्लाई इसकी जो आगे आर्टरी जो है वो वीनस, ये दोनों के ना हर एक डिफरेंट वीडियोज हैं, तो आप लोग पहले उन वीडियो को देखें फिर आपको ये विजुअल अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। वीनस जर्नी पे आए तो इसकी होती है सीकम और अपेंडिक्स की वीनस जर्नी, पहले आएगी इलियोकोलिक वेन में, वहाँ से जाएगी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। फिर मैंने आपको ये बताया था पहले भी कि सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन हिपैटिक वेन से मिलकर तो बनाती है हिपैटिक पोर्टल वेन, वो आगे जाकर ड्रेन हो जाएगी लीवर में। फिर है जी लिम्फैटिक ड्रेनेज, तो लिम्फैटिक ड्रेनेज इन दोनों की कैसे होगी, इलियोकोलिक लिम्फ नोड्स मतलब ये जो इलियोकोलिक आर्टरी नहीं है वाली दिस वन, इसके अराउंड जो लिम्फ नोड्स होगी उनमें जाएगी लिम्फ सबसे पहले, और वहाँ से चली जाएगी सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड विच विल लोकेटेड अराउंड दी दिस वन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के अराउंड लिम्फ नोड पर चली जाएगी। नर्व सप्लाई के माध्यम से सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस इसकी इसको नर्व सप्लाई आएगी, इसमें होती है सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक। सिंपथेटिक आ रही होगी इसको लोअर थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड से और पैरासिंपथेटिक आपको पता है वेगस नर्व से। बाकी जो नर्व सप्लाई है इसकी इंशाल्लाह मैं विजराज के बाद ये खत्म करके तो एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिससे मैंने आर्टरीज और वेन का पढ़ाया था कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए सारा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज असेंडिंग कोलन।
तो ये इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखें, ये थी हमारे पास सीकम, सीकम से ऊपर ये जो पार्ट है, दिस इज ये वाला पार्ट है असेंडिंग कॉलोन। तो इट इसकी लोकेशन देखें, इट पास सुपीरियरली फ्रॉम द सीकम टू द राइट लोब ऑफ द लीवर एट द राइट कॉलिक फ्लेक्चर। तो सीकम से सुपीरियरली मूव करेगा टिल द राइट हिपैटिक सॉरी राइट कॉलिक फ्लेक्चर। राइट कॉलिक फ्लेक्चर क्या है, ये पॉइंट ऑफ जंक्शन थी, ये जो पॉइंट है दिस इज ये है राइट कॉलिक फ्लेक्चर, जहाँ पे असेंडिंग और ट्रांसवर्स कॉलन मिलते हैं। इसको हम एक तो ये नाम, दूसरा इसका नाम हम कहते हैं जी हिपैटिक फ्लेक्चर, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे लीवर आया होता है, इसको हम हिपैटिक फ्लेक्चर भी कह लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हिपैटिक फ्लेक्चर है, इट इज़ प्रेजेंट डीप टू द नाइन्थ एंड द टेंथ रिब, ये इसकी लोकेशन एंड ओवरलैप बाय द इन्फीरियर पार्ट ऑफ लीवर। देखा, हमने बताया था इसके ऊपर क्या आया होता है, लीवर आया होता है। अच्छा, ये भी रेट्रोपराइटल, मतलब कि इसकी जो है वो मेसेंट्री नहीं होती, लेकिन 25% केसेस में या पीपल में जो है इसकी एक छोटी सी मेसेंट्री हो भी सकती है, ये मतलब एक्सेप्शन है। एक राइट पैराकोलिक गटर लाइज बिटवीन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द असेंडिंग कॉलोन एंड द एब्डोमेन। तो इसकी जो है लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर होता है राइट पैराकोलिक गटर। वो क्या करते हैं, वो जो है ना इन्फीरियर कॉलिक जो सुपरा कॉलिक रीजन, मतलब जिसकी ऊपर वाली और इन्फ्रा कॉलिक रीजन जो है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसे इसकी लेटरल पे एक गटर टाइप ट्यूब बनी होती है ऐसे, जो कि इन दोनों रीजन को कनेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, मैंने आपको जो है ये पैराटोनल फॉर्मेशन में भी चीज़ समझाई थी उसके लेक्चर में। फिर इसके रिलेशंस पे आए, तो ये जो है हमारे पास असेंडिंग कॉलोन के एंटीरियरली पड़ा होता है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ी होती है और ग्रेटर ओमेंटम होता है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तीन चीज़ें इसके आगे की याद कर लें। पोस्टीरियरली क्या होती है, इसके इलियाकस मसल होगा, राइट किडनी होगी, इलियो हाइपोकेसिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व। इसके जो रिलेशन याद करेंगे, बेस्ट मेथड यही है कि आप इसकी जो है वो पिक्चर को याद करें, ये आप उसकी किसी अपनी एटलस निकालें, उसके बाद इसकी पिक्चर को गौर से देखें, आप उनको पिक्चर में मेमोराइज कर लीजिए, रिलेशन सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। इनका उसका और कोई मेथड नहीं याद करने का। फिर जी इसकी ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई को आ रही होती है इलियोकॉलिक आर्टरी से। ये भी आपको पता है कि असेंडिंग कॉलोन जो है ना, ये पार्ट है जी हमारे पास मिडगट का, तो मतलब कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस से आना है। तो इलियोकॉलिक आर्टरी और राइट कॉलिक आर्टरी जो कि ब्रांचेस इसकी हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, ये दोनों इसको जो है वो सप्लाई कर रही होगी असेंडिंग कॉलोन को। ठीक है, ओके, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आगे तक इस पूरे लेक्चर में एंड तक मैं पॉइंट मैंने बार बार रिपीट करा था, इसको समझ लिया यहीं पर कि दीज आर्टरीज विल एनास्टमोस विद अदर आर्टरीज ऑफ द कॉलोन फॉर्मिंग दी मार्जिनल आर्टरी। मतलब क्या है कि ये जो है ना हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज जो इसको सप्लाई करी है असेंडिंग कॉलोन को, फिर जो है वो ट्रांसवर्स कॉलोन को, यानी जो डिसेंडिंग कॉलोन को सप्लाई करी है, ये सारी ब्रांचेज ना एक दूसरे से एनास्टमोस करके एक मार्जिनल आर्टरी बना देती है। ये देखिए, जो ये दिखाई ना, ये ऐसे चल रही साथ साथ मार्जिन के ऊपर, ये मार्जिनल आर्टरी बना देंगे सारे एनास्टमोस करके, और वो फिर जाकर इंटेस्टाइन को सप्लाई करेगी। इसका नाम, इस मार्जिनल आर्टरी का दूसरा नाम है जक्स्टा कॉलिक आर्टरी। ठीक है, देखिए ये दोनों आर्टरी देखो मिलकर इन्होंने ये बना दी मार्जिनल आर्टरी, उसने आगे जाकर इंटेस्टाइन को सप्लाई कर दिया। वीनस ड्रेनेज पे आए, तो इसकी होगी जी राइट कॉलिक और इलियोकॉलिक वेन से ड्रेनेज, जो कि ड्रेन करेंगे किसमें, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ नीचे से आएगी स्प्लेनिक वेन, और दोनों मिलकर क्या बताएंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन। ये भी हिपैटिक पोर्टल वेन का लेक्चर देखें, उसमें आपको ये पॉइंट बड़ी अच्छी तरह मैंने डायग्राम के साथ समझाया हुआ है, वहाँ आपको अच्छी समझ आ जाएगी। फिर इसकी नर्व सप्लाई देखें, तो इसकी भी आ रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस से आ रही होती है। बाकी नर्व सप्लाई मैं इंशाल्लाह अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छी तरह समझ आएगी। यहाँ पे अभी हमें याद यही करें जो मैं बता रहा हूँ, वो अलग बात है, अगर आपको समझ नहीं आए तो उसके लिए मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए। लिम्फेटिक ड्रेनेज पे आए, तो इसकी होती है जी एपिकॉलिक लिम्फोड और पैराकोलिक। एपिकोलिक लिम्फ नोड्स जो है ना, ये इंटेस्टाइन के ऊपर जो पड़े ना, देखिए ये जो ब्लैक भी इंटेस्टाइन के ऊपर पड़े हुए हैं, दीज आर दी एपिकोलिक लिम्फ नोड्स। दूसरे क्या है, पैराकोलिक लिम्फ नोड जो कि इस मार्जिनल आर्टरी के अंदर पड़े। सबसे पहले लिम्फ या एपिकोलिक में या पैराकोलिक में चली जाएगी इसकी, फिर वहाँ से जो लिम्फ है इट विल मूव टुवर्ड द इलियोकॉलिक या इंटरमीडिएट राइट कॉलिक नोड्स। मतलब कि इलियोकॉलिक कहाँ पे, जो इलियोकॉलिक आर्टरी, ये इलियोकॉलिक आर्टरी से इसके अराउंड जो पड़ेगी इलियोकॉलिक लिम्फ नोड, यहाँ से या इसमें आ जाएगी, या जो है ये राइट कॉलिक लिम्फ नोड में चल जाएगी ऊपर वालों में, जो कि राइट कॉलिक आर्टरी के पास पड़े हुए थे। इन दोनों से लिम्फ जो है आ जाएगी सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड में, विच वर लोकेटेड अराउंड द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो ये देखें, ये इसी साथ आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज भी यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, जो था हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलोन। तो दिस ट्रांसवर्स कॉलोन इज द थर्ड पार्ट एंड इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट मोबाइल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये देखिए, ये जो है ये असेंडिंग कॉलोन थी, ये डिसेंडिंग कॉलोन थी, इन दोनों के दरमियान में ये है ये ट्रांसवर्स कॉलोन, जो ट्रांसवर्स की बॉडी में पड़ी हुई है। इसकी लोकेशन देखिए, इट क्रॉस द एब्डोमेन फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। मतलब राइट कॉलिक फ्लेक्चर जहाँ पे असेंडिंग और ट्रांसवर्स मिली थी, और लेफ्ट क्या होगा, जहाँ पे ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग मिली थी, वो होगा लेफ्ट कॉलिक। देखिए, ये है लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर, ये है राइट कॉलिक फ्लेक्चर। लेफ्ट राइट को हम कहते थे हिपैटिक फ्लेक्चर, तो लेफ्ट को हम कहेंगे स्प्लेनिक फ्लेक्चर, क्योंकि इसके पास होती है स्प्लीन पड़ी होती है, यहाँ पे लीवर था तो यहाँ पे स्प्लीन थी।
लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर के लिए देखिए इसके कुछ पॉइंट्स आ गए, इट इज़ मोर सुपीरियर एक्यूट एंड लेस मोबाइल देन राइट। तो इसके राइट से डिफ्रेंसेज आ गए कि ये जो इसे थोड़ा सा सुपीरियरली होता है, एक्यूट होता है और लेस मोबाइल होता है, ठीक है। इट लाइज एंटीरियर टू द इन्फीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी, और ये लेफ्ट किडनी के जो है ना उसके इन्फीरियर पार्ट के एंटीरियरली पड़ा, मतलब लेफ्ट किडनी के एंटीरियरली पड़ा होता है। एंड इट अटैचेस टू द डायफ्राम थ्रू द फ्रेनोकोलिक लिगामेंट, यहाँ पे आपको पता है इस तरह का डायफ्राम पड़ा हुआ पूरा ऐसे ऊपर, तो यहाँ पे अगर ये जैसे ऐसे डायफ्राम का एक लिगामेंट निकाल देता है अटैच होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेनोकोलिक लिगामेंट। अब इसकी मिजेंट्री भी आए तो इसकी मिजेंट्री इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स मिजोकॉल, इसकी मिजेंट्री का नाम है, इट विल लूप डाउन टू इलिकेरस। इसकी जो मिजेंट्री यहाँ से निकलेगी और नीचे तक यहाँ पे जाके इलियम बोन पड़ी हुई है ना, वो इलियम बोन के ऊपर जाकर अटैच हो रही है नीचे तक जाके, ठीक है। फिर रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मिजोकॉल या ट्रांसवर्स मिजोकॉल, उसकी जो मिजेंट्री है इज अटैच टू द पैंक्रियाज। रूट क्या मतलब उसकी जो मेन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वो क्या है जी, वो इसके ऊपर ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे पैंक्रियाज। तो यहाँ से ना ये जो यहाँ से पैंक्रियाज के साथ इसकी मिजेंट्री अटैच होगी, वो उसकी रूट होगी इस पॉइंट के ऊपर। फिर इसके रिलेशंस पे आए तो इसके एंटीरियर रिलेशन में पास ग्रेटर मोमेंटम आ रहा है एंड या और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। ग्रेटर मोमेंटम जब तकरीबन सब के अंदर ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेटर मोमेंटम ये इस तरह वो एप्रन लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ा हुआ था, ठीक है ना, वो सब में आएगा और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल भी ऑब्वियसली आएगी। पोस्टीरियर में इसके पास होती है वहाँ पर ड्यूडेनम, पैंक्रियाज का हेड, यहाँ पे ऐसा पता है ऐसे ऊपर से स्टमक साथ जैसे ड्यूडेनम आ रही थी ऐसे, और यहाँ पे साथ उसमें पैंक्रियाज पड़ा था, तो पैंक्रियाज का हेड आ गया और ड्यूडेनम आ गया इसके पोस्टीरियरली। ब्लड सप्लाई, अब आपको पता है कि ये जो है ना इसका जो 2/3 पार्ट है वो मिडगट में और 1/3 पार्ट है हाइंडगट, मतलब इसको डबल डबल ब्लड सप्लाई आनी है। तो एक तो इसको आ जाएगी जी मिडगट वाला पार्ट जो 2/3 है, राइट 2/3, उसको आ जाएगी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच मिडल कोलिक आर्टरी। जो लेफ्ट 1/3 या हाइंडगट वाला पार्ट है ना उसको आएगी जी इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच लेफ्ट कोलिक आर्टरी से, ठीक है। ये दो आर्टरी और एक जो मैं पहले बताया था मार्जिनल आर्टरी जो एनास्टोमोसिस से बननी थी सबके, वो तो सबको सप्लाई करेगी ही करेगी। जो इसकी ब्लड सप्लाई थी वीनस ड्रेनेज पे, तो वीनस ड्रेनेज की हो रही थी मिडिल कॉलिक वेन से, जो कि ड्रेन करती जाके इनटू द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, और ये इसके साथ आगे स्प्लीनिक वेन मिलती है और ये बन जाती है हिपैटिक पोर्टल वेन। लिम्फैटिक ड्रेनेज इसकी जाएगी इनटू द मिडिल कॉलिक नोड्स, मतलब विच वेर लोकेटेड अराउंड द मिडिल कॉलिक आर्टरी। देखिए ये मिडिल है ना मिडिल कॉलिक आर्टरी, इसके अराउंड ये पड़े हुए मिडिल कॉलिक लिम्फ नोड्स, इसकी लिम्फ यहाँ जाएगी मिडिल कॉलिक लिम्फ नोड्स में, जो कि ड्रेन कर जाएंगे किसमें, सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स, यहाँ ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के अराउंड लिम्फ नोड्स जो मेन नोड्स हैं यहाँ पे या उसमें ड्रेन कर जाएंगे। नर्व सप्लाई पे आए तो इसको आ रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक एक्सिस से, सिंपथेटिक आ रही होती है, पैरासिंपथेटिक आ रही होती है और विजरल एफ्रंट भी आ रही होती है इसको फाइबर्स, बाकी पता है कि पैरासिंपथेटिक उसको जो है वो वेगस नर्व दे रही होगी। ये सारा जो है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा नर्व के अलग लेक्चर के अंदर। अब हम आते हैं डिसेंडिंग कॉलोन के ऊपर, तो डिसेंडिंग कॉलोन इट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए ये जो ट्रांसवर्स कॉलोन से नीचे को आ रहा है दिस पार्ट, ये है जी डिसेंडिंग कॉलोन वाला पार्ट। इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर टू द लेफ्ट इलिक फोसा। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर से देखिए नीचे तक कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट इलिक फोसा, यहाँ पे क्या था सेंडिंग कॉलोन वाली तरफ राइट इलिक फोसा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट लेफ्ट इलिक फोसा तक ये जा रही होगी हमारे पास डिसेंडिंग कॉलोन। तो ये भी रेट्रोपाइट होगी, मतलब इसकी मेसेंट्री नहीं होती, लेकिन 33% केसेज में इसकी थोड़ी सी मेसेंट्री हो सकती है, जिस तरह सेंडिंग कॉलोन में 25% केसेज में हो सकती थी, इसमें 33% केसेज में मेसेंट्री हो सकती है थोड़ी सी। लेफ्ट पैराकोलिक गटर लाइज बिटवीन द लेटरल एस्पेक्ट टू द कोलोन एंड द एब्डोमिनल वॉल, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग कॉलोन के साथ राइट पैराकोलिक गटर से यहाँ पे क्या है इसके साथ हो जाएगी लेफ्ट पैराकोलिक गटर, जो कि जो इंफ्राकोलिक और सुप्राकोलिक रीजन को कनेक्ट कर रहे होंगे, ये इसकी लेटरल साइड पे पड़े हुए होंगे। सिमिलरली उसी तरह इसके रिलेशंस पे आए तो एंटीरियर मैंने आपको बताया कि ग्रेटर मोमेंटम आएगा ही आएगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आएगी ही आएगी। पोस्टीरियर रिलेशन में इसके इलियाकस मसल बिल्कुल आप देखें ना तो असेंडिंग कॉलोन के ऑपोजिट आएंगे। अब लेफ्ट किडनी वहाँ पर राइट किडनी थी, ठीक है, और नर्व और वेन वही है, और सॉरी दोनों नर्व वही है, इलियो हाइपोकैसिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व। सो सेम उसी से रिलेशन भी आप उसके साथ इकट्ठे याद कर सकते हैं इनके। ब्लड सप्लाई अब पता कि जो हम जो डिसेंडिंग कॉलोन है ये हाइंडगट का पार्ट है, उसको जो है वो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस से सप्लाई करना है। तो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी देगी लेफ्ट कोलिक आर्टरी, लेफ्ट कोलिक आर्टरी जो कि उसको सप्लाई करी। देखिए ये थी हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये यहाँ पे दे रही है हमें ये ब्रांच लेफ्ट कोलिक आर्टरी, तो उसको सप्लाई करी। उसके साथ आपको पता है दूसरी आर्टरी कौन सी सप्लाई करी होगी, उसको मार्जिनल आर्टरी जो कि सबको करती हुई आ रही है, एनास्टोमोसिस सबके बन रही है। अगर हम इसकी वीनस ड्रेनेज के ऊपर, तो इसको आ रही थी लेफ्ट कोलिक वेन से, सबसे पहले ड्रेन होती है लेफ्ट कोलिक वेन, लेफ्ट कोलिक वेन जाकर ड्रेन करेगी इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन में, इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन फिर ड्रेन करेगी जाकर स्प्लीनिक वेन में, और स्प्लीनिक वेन जो है ना ये हमारे पास जाके ड्रेन करती होती है इनटू द हिपैटिक पोर्टल वेन, और यहाँ पे ना एनास्टोमोस नहीं ये ज्वाइन करेगी इसको सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन को, फिर इसमें जो है वो ड्रेन करेगी हिपैटिक पोर्टल वेन में। इस पॉइंट को मैंने हिपैटिक पोर्टल वेन के लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था।
अगर मत इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर, तो इसकी सिमिलर टू है असेंडिंग कॉलन, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसकी भी होगी एपिकॉलिक और पैराकॉलिक लिम्फ। एपिकॉलिक मैंने आपको बताया था कि इसके कॉलन के ऊपर से पैराकॉलिक जो है मार्जिनल आर्टरी के दर में आती है सबसे पहले, वहाँ पे वहाँ से लिम्फ जाएगी इंटरमीडिएट कॉलिक लिम्फ जो कि लेफ्ट कॉलिक आर्टरी के पास पड़े हुए होंगे, और वहाँ से जो है वो चली जाएगी इंटू द इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड जो कि इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के पास पड़े होंगे। सिमिलरली उसी तरह जिसकी असेंडिंग के बस वो इन्फीरियर की जगह सुपीरियर की जगह इन्फीरियर आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा है। नर्व सप्लाई के ऊपर आए तो इसको आती है सिंपथेटिक जो सप्लाई बाय दिस लंबर प्लांटिंग नर्व जो कि पार्ट है जी सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस का, और पैरासिंपथेटिक आ रही थी बाय दी पेल्विक प्लांटिंग जो कि पार्ट है जी इन्फीरियर हाइपोगेस्टिक प्लेक्सिस का। बाकी इन सारे प्लेक्सिस को मैं एक लेक्चर में अलग से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा ये किस तरह से बनते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सिग्मोइड कोलोन। तो ये क्या है जी, इसका फिफ्थ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो थोड़ा सा पार्ट ये देखें, ये हमारे पास ही ना डिसेंडिंग कोलोन, तो ये देखिए ये जो पार्ट है दिस इज ये पार्ट है सिग्मोइड कोलोन इसकी है जी, वो कह रहे हैं इट हैज़ अ लॉन्ग मेसेंट्री कॉल है सिग्मोइड मेसो कोलोन। इसकी मेसेंट्री होती है और उसको हम क्या कहते हैं सिग्मोइड मेसो कोलोन, इसकी मेसेंट्री का नेम है। रूट ऑफ द सिग्मोइड कोलोन हैज़ एन इन्वर्टेड वी शेप अटैचमेंट, तो इसकी मेसेंट्रिक अटैचमेंट वी शेप है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये देखिए जो ग्रीन कलर देखा है इन्वर्टेड वी बना हुआ है, ये इसकी मेसेंट्रिक अटैचमेंट है। मैं समझाता हूँ ये किस तरह से है, एक्सटेंडिंग फर्स्ट मीडियली एंड सुपीरियरली अलोंग दी एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, मतलब पहले जो है देखिए ये एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी के साथ इस तरह एक्सटेंड करती है सुपीरियरली और मीडियली ये इस तरह, एंड इन्फीरियरली फ्रॉम द बायफरिकेशन ऑफ द कॉमन आइलिक आर्टरी टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ सैक्रम। फिर जब भी हम इनकी जाएंगे ना इसकी एक्सटर्नल आइलिक की बायफरिकेशन से, वहाँ पर ये इन्फीरियरली और मीडियली हो जाएगी, देखिए इन्फीरियरली आना चाहिए मीडियली और जाकर सैक्रम के एंटीरियर जाकर अटैच हो जाएगी। तो ये इसकी इन्वर्टेड वी शेप अटैचमेंट है इसकी मेसेंट्री की सिग्मोइड मेसो कोलन की। इसके अगर हम रिलेशन पे आए तो इसके जो एंटीरियर रिलेशन में इसके पास इसके ऊपर जो सिग्मोइड कोलन ये जो है इसके एंटीरियर तो है यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर और अपर पार्ट ऑफ वजाइना, मतलब कि ये दोनों जो है ये मेल में होगा, सॉरी ये मेल में होगा वो फीमेल में होगा, वो आपको उसे डिफ्रेंशिएट करें कि यूट्रस किस में होती है और वजाइना जो है। ब्लड सप्लाई के ऊपर आए तो आपको पता है कि ये भी जो है वो हाइंडगट का पार्ट है, मतलब कि इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करें इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इट विल गिव द सिग्मोइड आर्टरी, वो उसको सप्लाई कर उसके साथ दूसरी आर्टरी जो सपोर्ट कर रही थी डेट वाज द मार्जिनल आर्टरी जो कि यहाँ जक्स्ट्रा कॉलिक आर्टरी इसका दूसरा नाम था वो कर रही। फिर जी वीनस ड्रेनेज पे आए तो उसकी वीनस ड्रेनेज होगी सिग्मोइड वेन से, सेम आप देखें सबकी आर्टरी के नाम साथ का नाम ही वेन है जो कि किसमें ड्रेन करेगी इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन में, इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है फिर जाके तो ड्रेन करेगी स्प्लीनिक वेन में, स्प्लीनिक वेन फिर जो है वो आपको पता है ड्रेन करी होती जाके हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर। अब अगर हम लिम्फैटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई आर सेम एज डिसेंडिंग तो इसकी भी जो जो नर्व सप्लाई और लिम्फैटिक ड्रेनेज वो बिल्कुल सेम है जो हमने पढ़ी है डिसेंडिंग कोलन का, वही इसको याद कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा है इसका जी रेक्टम एंड एनल कैनाल, तो इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए दिस इज द रेक्टम दिस इज द एनल कैनाल। अब रेक्टम को देखते हैं, रेक्टम इट इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कंटिन्यूस फ्रॉम द सिग्मोइड कोलन एट S3। तो रेक्टम क्या है, ये सिग्मोइड कोलन से कंटिन्यू हो रहा होता है S3, मतलब जहाँ भी शुरू होगा ना ये पॉइंट ये S3 वर्टिब्रा का पॉइंट है, ठीक है ना, ये S3 वर्टिब्रा शुरू हो रहा था। ये रेट्रोपेराइटोनियल है, ये जो रेक्टम है रेट्रोपेराइटोनियल मतलब इसकी मेसेंट्री नहीं होती, ठीक है। पर रेक्टम इज कंटिन्यूस इन्फीरियरली विद द एनल कैनाल, फिर रेक्टम आगे कंटिन्यू होकर क्या बनाएगा एनल कैनाल। तो एनल कैनाल इट इज अबाउट 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये जो एनएस है ना इसको कंट्रोल करने के दो स्पिंटर मतलब कि दो वेल्व होते हैं, एक होता है जी इंटरनल स्पिंटर एक होता है एक्सटर्नल स्पिंटर। इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंसेस भी देख लें आप, क्या है कि जी जो इंटरनल होगा ना एक तो वो अंदर होगा और ये बाहर होगा, ये तो पॉइंट तो मतलब सिंपल है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब स्मूथ मसल्स है इसके इंटरनल के और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। दूसरा जो एक्सटर्नल के होते हैं जी स्केल्टर मसल, स्केल्टर मसल तो सिंपल पता है कि ये जो है ये वॉलंटरी कंट्रोल में आ जाएगा हमारा, तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस दो दो हैं। ब्लड सप्लाई के ऊपर आए हम इनकी, तो मैं रेक्टम और सुपीरियर पार्ट जो एनल कैनाल ये सप्लाई होगा बाद सुपीरियर रेक्टल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज भी सेम सुपीरियर रेक्टल वेन से होगी विच विल ड्रेन टू द इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन, डेट विल ड्रेन टू द स्प्लीनिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन इट विल ड्रेन टू द हिपैटिक पोर्टल वेन। बाकी जो एनल कैनाल का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको इंशाल्लाह जब हम जो पेरेनियम पढ़ेंगे पेल्विस और पेरेनियम उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो होप्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर था, मैंने इसको बहुत कोशिश की कि थोड़ा शॉर्ट करूं लेकिन फिर भी काफ़ी लेंथी हो गया है, और इंशाल्लाह जो इसके नोट्स भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहां से ले सकते हैं। तो अगर किसी पॉइंट में भी डिफिकल्टी है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।